जनपद रुद्रप्रयाग में श्री केदारनाथ धाम की यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जिससे जाम जैसी स्थिति बन रही है। ऐसे में पुलिस की टीम व्यवस्थाओं को सुधारने में लगी हुई है ताकि यात्रियों को असुविधा ना हो। वहीं कुछ ऐसे शरारती लोग भी हैं जो यात्रा व्यवस्थाओं में व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर रोक लगानी जरूरी है। पुलिस उपाधीक्षक गुप्त काशी ने बताया कि आज कोतवाली सोनप्रयाग में शटल पार्किंग जाने के लिए पुलिस के स्तर से आने वाले यात्रियों को लाइन पर लगवाने के लिए अनाउंसमेंट करने के साथ ही लाइन लगवाई जा रही थी। इस दौरान कुछ यात्रियों का एक ग्रुप हुड़दंग करते हुए दिखाई दिया। इन यात्रियों ने पुलिस बल के साथ अभद्रता और मारपीट की। पुलिस प्रशासन ने सभी से शांतिपूर्ण यात्रा करने की अपील की है, साथ ही अभद्र व्यवहार करने वालों पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। रुद्रप्रयाग से सतपाल नेगी की रिपोर्ट। सोनप्रयाग में जितने भी हमारे यहाँ यात्री आते हैं, उनको हम सुव्यवस्थित तरीके से पुलिस द्वारा लाइन व्यवस्था की जाती है, जिसके अंतर्गत हम सभी यात्रियों को एक लाइन में शटल पार्किंग तक भेजते हैं ताकि वो वहाँ से गौरीपुर के लिए शटल सेवा का प्रयोग कर सके। लेकिन आज दिनांक 16 मई को हमारे यहाँ अत्यधिक भीड़ आने के कारण कुछ लोगों का एक झुंड आया, जिन्होंने पूरी लाइन व्यवस्था तोड़ दी। जब वही लाइन व्यवस्था तोड़ रहे थे तो हमारा एक सिपाही ने उन्हें जब रोकने का प्रयास किया तो भीड़ उग्र रूप लेते हुए उसको मारने की प्रयास किया। उसके ही दृष्टिगत जो बाकी हमारे पुलिस के जवान थे उसके बचाव में आए और उस भीड़ को रोका गया उनके द्वारा, जिसका वीडियो आज बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। मैं अनुरोध करूँगी सभी जनता से जो केदारनाथ धाम में आ रहे हैं कि जो हमारी पुलिस की लाइन व्यवस्था है, एक ही लाइन बना के आइए, ज़बरदस्ती आप भीड़ बना के मत आइए और पुलिस का पूरा आप सहयोग करें ताकि हमारी जो यात्रा है ये एकदम शांतिपूर्वक चलती रहे।